इस वक्त बड़ी खबर सियासी गलियारे से आ रही है, जहां डीएम के सांसद दयानिधि मारन को नोटिस भेजा गया है। बिहार कांग्रेस की तरफ से ये लीगल नोटिस डीएम के सांसद दयानिधि मारन को भेजा गया है। बिहार कांग्रेस ने ये डीएम के सांसद दयानिधि मारन को नोटिस भेजा और दयानिधि मारन के विवादित बयान को लेकर ये नोटिस उन्हें भेजा गया है, जिसमें आरजेडी और जेडीयू ने उनके बयान की निंदा की थी, आपत्ति उस पर जाहिर की थी। डीएम के सांसद दयानिधि मारन की तरफ से ये कहा गया था कि तमिलनाडु में शौचालय की साफ सफाई करते हैं हिंदी बोलने वाले, अमर्यादित बयान को लेकर लीगल नोटिस उन्हें भेजा गया है। तमिलनाडु में सड़कें और शौचालय साफ करने का काम यूपी और बिहार के हिंदी भाषी लोग करते हैं, दयानिधि मारन ने यह कहा था। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर अब डीएम के सांसद दयानिधि मारन को बिहार कांग्रेस ने ये लीगल नोटिस भेजा है। उनके बयान को लेकर लीगल नोटिस इस वक्त भेज दिया क्या है। बिहार प्रदेश कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के सदस्य डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद यादव ने उन्हें ये लीगल नोटिस भेजा है। और पटना से हमारे सहयोगी चंद्रमोहन इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। चंद्रमोहन, नहीं लगता है कि यहां पर इस मामले में, इस प्रकरण में, जिसमें दयानिधि मारन की तरफ से अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया बिहारियों को लेकर और उत्तर प्रदेश के लोगों को लेकर जो टिप्पणी की गई थी, उस पर कांग्रेस ने लीगल नोटिस थमाकर उस विवाद को, उस नुकसान को दूर करने का प्रयास किया है, जिसकी आशंका हिंदी भाषी बेल्ट में चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस को या उसके सहयोगी जो अभी इंडिया अलायंस है उसे होने वाली नजर आ रही थी। बिल्कुल, देखिए डीएमके सांसद दयानिधि मारन का जब से यह बयान सामने आया है उसके बाद से ही लगातार बिहार और उत्तर प्रदेश के जो भी नेता हैं, चाहे वो इंडी गठबंधन में हो या फिर इंडी गठबंधन से बाहर हो, वो सभी लोग सीधे तौर पर इसे आपत्तिजनक बता रहे हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं यह नोटिस देकर या भरपाया करने की कोशिश जरूर कर रही है कि उनके तरफ से लीगल नोटिस भेज दिया गया है। बिहार कांग्रेस प्रदेश के पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के सदस्य हैं डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद यादव, उन्होंने यह नोटिस भेजा और साफ तौर पर नोटिस में कहा गया है कि 15 दिन के अंदर इसका जवाब दें और जो उन्होंने बयान दिया था बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को लेकर, इस पर माफी मांगे, और अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो कांग्रेस फिर अगली कार्रवाई करेगी। तो लेकिन चंद्रमोहन, लेकिन सवाल ये है कि ये कार्रवाई सिर्फ यहाँ पर इस बयान को लेकर के दयानिधि मारन के ऊपर किया गया, लेकिन ऐसे ही विवादित बयान को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जिस तरीके से बिहारियों को लेकर बयान दिया था, उस बयान पर वैसे लीगल नोटिस उन्हें नहीं भेजे गए, ये दोहरा मापदंड नहीं दिख रहा है? बिल्कुल, सीधे तौर पर यह दोहरा मापदंड है कि एक तरफ कहीं कोई सवाल उठाता है बिहार और उत्तर प्रदेश को लेकर तो आप लीगल नोटिस भेज देते हैं, लेकिन दूसरे आदमी जब सवाल उठाते हैं तो उनको नहीं भेजते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडी गठबंधन की अभी दिल्ली में बैठक हुई थी उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि सभी दलों को एक साथ मिलाकर, एक गठबंधन मिलाकर और उसके बाद आगे चलने की जरूरत है, और उसके तुरंत बाद इस तरह का बयान आ जाता है जिसमें डीएमके सांसद दयानिधि मारन बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को सीधे तौर पर टारगेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपनी साख बचाने की कोशिश कर रही है कि कहीं आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव होना है उसको लेकर उसका खामियाजा उनको भुगतना ना पड़ जाए। और यही वजह है कि इस लीगल नोटिस को भेज कर और यह बताने और समझाने की कोशिश की गई है कि कांग्रेस जो है वो अपना पक्ष सामने रख दी है। लेकिन इसको लेकर क्या कांग्रेस 15 दिन बाद, बिल्कुल चंद्रमोहन, अगर 15 दिनों के बाद इस पर माफी मांगने या इस नोटिस का जवाब देने की परिस्थितियां नहीं बनती हैं तो ऐसा क्या करेगी कांग्रेस? चंद्रमोहन, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल विभा, चंद्रमोहन, अगर 15 दिनों में इस लीगल नोटिस का जवाब दयानिधि मारन की तरफ से अगर नहीं मिलता है या फिर वो जो मांग बार बार की जा रही है कि माफी नहीं मांगते हैं, तो वैसी परिस्थिति में कांग्रेस क्या कर सकती है? बिल्कुल, कांग्रेस के नेता जो
बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पॉलिटिकल अफेयर के सदस्य हैं डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद, उन्होंने उस लीगल नोटिस में साफ तौर पर यह कहा है कि 15 दिन के अंदर उनको इस लीगल नोटिस का जवाब देना पड़ेगा और अगर वो इसका जवाब नहीं देते हैं तो यह माना जाएगा कि आपने यह बयान जानबूझकर दिया था और हो सकता है कि आने वाले दिनों में यानी 15 दिन बाद कांग्रेस अपने तरफ से यहां पर कोर्ट में जाकर और केस दर्ज कराए, क्योंकि लीगल नोटिस भेजने का सीधे तौर पर यह मतलब निकलता है कि कहीं ना कहीं उनको समझाने और यह बताने की कोशिश की गई है कि जो आपने बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को लेकर बयान दिया है यह आपत्तिजनक है और यह कांग्रेस को मंजूर नहीं है और साथ ही बिहार के अन्य जो पार्टियां हैं उसको भी मंजूर नहीं है। कांग्रेस सीधे तौर पर जो डीएमके के सांसद हैं उनसे इसका जवाब मांगा है और अगर उनके तरफ से जवाब नहीं आता है तो आगे केस दर्ज कराई जाएगी उनके खिलाफ और फिर आगे यह मामला तूल पकड़ेगा। जाहिर सी बात है इसका जवाब जब कोर्ट में केस दर्ज होगा तो इसका जवाब उनको कोर्ट में आकर देना पड़ेगा। उससे पहले कांग्रेस यह मान रही है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो 15 दिन का वक्त दिया गया है उसमें और कहीं ना कहीं चंद्रमोहन इसे इस रूप में भी देखा जाए कि जिस बीजेपी जैसे आक्रामक इसे बयान को लेकर नजर आ रही थी वो इसे चुनाव के मद्देनजर कह रही थी कि हम लोगों तक पहुंचाएंगे और उसका नुकसान महागठबंधन को और खास तौर पर कांग्रेस को नजर आ रहा था, इस वजह से भी ये स्टैंड लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।